सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटेल। मनुष्य की तरह पृथ्वी की भी एक हार्ट बीट है, यानी कि उसका भी दिल धड़कता है। पृथ्वी की यह धड़कन मानव की तरह ही उसके जिंदा होने का सबूत है। एक स्टडी में इसके रहस्य का खुलासा भी किया गया है। इस स्टडी में कई जानकारियां भी सामने आई हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर में ये रहस्य क्या है। आपको अपने वीडियो के जरिए डिटेल से आपको बताते हैं। लाखों साल पुरानी है नब्ज। अगर पृथ्वी और इंसान के अस्तित्व की तुलना की जाएगी तो मानव जीवन इसके आगे कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की भी एक जिंदगी है और एक दिमाग है, जो एक प्रकृति है, और ये उसी के मुताबिक बर्ताव भी करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर कई ऐसे चीजें होती हैं जिसके बारे में इंसान के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसको नियंत्रित करने के बारे में किसी को भी सोचना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट माइकल रैम्पिनो धरती के रहस्यों के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर धरती को लेकर एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में हैरान करने वाली जानकारियां भी सामने आईं। इस रिसर्च में खुलासा हुआ कि पृथ्वी की अपनी एक हार्ट बीट और एक नब्ज भी है, जो 27.5 मिलियन साल की हो चुकी है। इस स्टडी में पता चला है कि अब अगली बार धरती का दिल करीब 2 करोड़ साल बाद धड़केगा। इसका मतलब यह है कि 2 करोड़ साल के बाद धरती पर फिर प्रलय आएगा। माइकल बताते हैं कि पृथ्वी पर घटने वाली छोटी मोटी प्राकृतिक घटनाएं कोई आपदा नहीं होती हैं। बड़ी आपदा उस समय आएगी जब धरती का दिल धड़केगा और उसकी भूगर्भीय नसों में पल्स दौड़ने लगेंगे। तो कैसे, तो हम आपको बताते हैं। जानिए कब आएगी प्रलय। आप वीडियो पे ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। माइकल का कहना है कि आंकड़ों के मुताबिक यह एक सामान्य भूगर्भीय प्रक्रिया है जो अचानक घटती है। कई भूगर्भीय हलचलों का आपस में एक संबंध होता है। जब सारे क्रम में एक साथ जुड़ते हैं तब उस समय धरती का दिल धड़कता है। उसी तरह जैसे कि किसी इंसान की सांस अटक जाए और वह हाथ पैर मारने लग जाता है, जमीन में तड़पने लग जाता है, ठीक वैसे ही धरती की धड़कन भी अटकी है। जैसे ही एक बार पूरी होगी उसकी धड़कन, तो भारी तबाही के बाद कुछ समान तरीके से सब कुछ सही हो जाएगा धरती में। माइकल और उनकी टीम के रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में खुलासा हुआ कि जब धरती सांस लेती है तो समुद्री और गैर समुद्री जीवों का सामूहिक संहार होता है। सुनामी जैसी भयानक घटनाएं होती हैं, महाद्वीप तबाह हो जाते हैं और कुछ समुद्र में समा जाते हैं, कुछ अंदर से बाहर आ जाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा कर या अलग होकर संतुलित बनाने की कोशिश करते हैं। अगर चंद्रमा पर ऑक्सीजन खोज लिया भारत ने, तो भारत ऑक्सीजन खोजने वाला भारत पहला देश बन गया है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जीने के लिए जरूरी है वो है ऑक्सीजन, जो चंद्रमा पर भारत ने खोज करके इतिहास रच दिया है। इसरो ने यह भी कहा कि उपकरण ने उम्मीद के मुताबिक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के भी पता लगा लिया है, और इन सारे खजानों को खोजने वाला भारत पहला देश बन गया है। अभी तक किसी ने भी इसकी खोज नहीं की है, इसरो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा। वैज्ञानिक अपने प्रयोग कर रहे हैं। रोवर पर लगे लेजर संचालित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, मतलब LIBS उपकरण ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह में गंधक होने की भी पुष्टि की है। बेंगलुरु में स्थित इसरो के मुख्यालय ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला है। अभी तक हाइड्रोजन की तलाश जारी है भैया। अगर चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज हो गई तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, जो मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। भारत ने उसकी खोज कर ली है। अभी हाइड्रोजन की भी खोज जारी है। अगर चंद्रमा पर बर्फ है तो समझो हाइड्रोजन भी है। LIBS उपकरण को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इसरो बेंगलुरु की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इसरो ने कहा कि हाइड्रोजन की मौजूदगी के संबंध में गहन पड़ताल जारी है। अभी दोस्तों प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया क्योंकि चंद्रमा पर अब रात हो गई है, क्योंकि हमारे जितने भी उपकरण हैं विक्रम लैंडर और यानी रोवर में, वो रात में काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे। वो सूरज की रोशनी में ही काम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सोलर
पैनल से जो बैटरी चार्ज होती है उसके बिना हमारा रोवर और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर सकते हैं। तो 22 सितंबर को जब दोस्तों अगली यानी सुबह होगी, मतलब यानी दिन होगा, सूरज उगेगा, तब हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो लिख के हमें ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। धन्यवाद।